तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल हैं। तो गाइस आज हमारा सीजन 16 आ चुका है और उसी के साथ चलिए गाइस देखते हैं हमारे क्या क्या नए मिशंस आए हैं। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारे पहले मिशन क्या है, अभी फर्स्ट के मिशन क्या क्या हैं और कैसे क्या करना है हमको। तो गाइस पहला मिशन है पिकअप है फ्रैग ग्रेनेड 32 मैच क्लासिक मोड। तो गाइस आपको ग्रेनेड पिकअप करना है 32 मैच के अंदर, तो हर मैच के अंदर एक एक बार करना है। आप ऐसे 32 मैच के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये 32 मैच तक जैसे होगा। और ये मल्टीप्लस है, आपका टीममेट भी अगर पिकअप करेगा तो वो भी आपके काउंट होगा। तो ये आपका मैच खेलते रहना तो आपका ये ईजिली आराम से हो जाएगा, ये आपका मैच खेलते खेलते ही हो जाएगा। फिर उसके नीचे अपन आते हैं लैंड ऑन एन रूफ टू पोचंग की 3 टाइम क्लासिक मोड। तो गाइस आपको एरेंगल लगाना है, एरेंगल लगा के आपको पोचंगी में 3 बार उतरना है। पोचंगी में 3 बार उतरोगे तो आपका ये सिंपली हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना हो तो इसका सेकंड ऑप्शन दे रखा है लैंड ऑन एनी रूफ टू लॉस लियोन मीरामार 3 टाइम क्लासिक मोड। तो गाइस आप मीरामार भी लगा के, लॉस लियोन एक जगह का नाम है, वहाँ पर भी अगर आप 3 बार उतरोगे तो भी आपका सिंपली हो जाएगा। अगर आपको वहाँ पर भी नहीं उतरना तो इसका थर्ड ऑप्शन दे रखा है लैंड ऑन एनी रूफ टू क्यूरी सैनोक 3 टाइम क्लासिक मोड। तो गाइस आप क्लासिक मोड में अगर सैनोक में भी अगर क्यूरी नाम की एक जगह है वहाँ पे भी अगर आप उतरोगे 3 बार तो भी आपका ये सिंपली हो जाएगा। तो गाइस देख लेना आप जो भी खेलते हो सैनोक मीरामार के क्लासिक मोड सॉरी एरेंगल, तो वहाँ पे वो लगा लेना और लगा के उधर जाना, सिंपल से आपका हो जाएगा। और तो फिर उसके नीचे आते हैं फिर अपन गाइस ओपन 4 ड्रॉप क्लासिक मोड। तो गाइस आपको 4 ड्रॉप को ओपन करना है, तो चाहे आप एक ही मैच के अंदर 4 ड्रॉप ओपन कर दीजिए, चाहे आप अलग अलग मैच करके या एक एक बार करके 4 मैच के अंदर ओपन करिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर लेना, तो आपका ये सिंपली काउंट हो जाएगा। और फिर उसके नीचे आते हैं अपन गाइस किल 10 एनिमी SKS एनी मोड। तो गाइस आपको SKS से 10 बंदे मारने हैं, तो चाहे आप TDM में मार देना, अगर आप कोरिया वर्जन खेल रहे हो तो आपके लोड आउट में शायद नहीं होगी, तो आप क्या करना आर्केड मोड में जाना, आर्केड मोड में जाके स्नाइपर मोड ट्रेनिंग में जाना, स्नाइपर ट्रेनिंग में जाके आप उसमें आपको SKS आराम से मिल जाएगी, तो उसमें जाके आप 10 बंदे मार देना, ये एनी मोड है। तो कहीं पे भी आप कोई अगर एरंगल में मारोगे कोई से भी मैच में मारोगे तो आपका ये काउंट होता रहेगा। फिर उसके नीचे अपन आते हैं गाइस पिकअप है मिलिट्री वेस्ट Level 3 10 मैच क्लासिक मोड। तो गाइस आपको मिलिट्री वेस्ट आपको 10 बार पिकअप करनी है, जो ड्रॉप में आती है और कहीं पड़ी भी मिल जाती है, तो आपको वेस्ट पहन लेनी है और आपको 10 मैच के अंदर पहननी है, हर मैच के अंदर एक एक बार। जैसे आप 10 बार पहनोगे तो आपका ये सिंपली हो जाएगा। और फिर उसके नीचे अपन आते हैं किल 20 एनिमी विथ UMP 4/5 एनी मोड। तो गाइस ये भी एनी मोड है, तो आपको UMP से मारना है SMG गन से, तो आप अगर TDM में आपके अगर लोड आउट में लगी हो तो वहाँ पर मार देना, वरना फिर रेंगर वगैरह जो भी सर्वर खेलते हो तो उसमें आपको मिल जाती है, तो आप उसमें भी मार देना। तो आपको 20 बंदे मारने, तो आप सर्वर चेंज करके मारो, तो जल्दी मारने हो तो सर्वर चेंज करके मार लेना, वरना आप कैसे भी मारो तो मार देना ना, आपका सिंपली हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको नीचे अपन आता है रॉयल पास वाले मिशन के लिए। तो इसमें है पहला मिशन है सर्वाइव फॉर ए टोटल 100 मिनट क्लासिक मोड। तो कैसे आपको 100 मिनट तक क्लासिक मैच खेलना है। तो कैसे आपको ये हो गया, मतलब आपका 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट तक आपको मैच खेलना है। ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू खेलना है, जैसे आप अगर आज आधा घंटा खेल लिए कल भी आधा घंटा खेलोगे तो वो भी आपका काउंट हो जाएगा। तो गाइस आपको जैसे ही ये 1 घंटा 40 मिनट होगा तो ये आपका ही सिंपली मिशन हो जाएगा। और फिर उसके नीचे अपन आते हैं डोले टोटल डैमेज 3600 क्लासिक मोड। तो गाइस आपको 3600 का डैमेज क्लासिक मैच के अंदर देना है। तो गाइस ये भी आपका ऐसा ही है, आपको ज़रूरी नहीं है एक ही मैच के अंदर देना हो, आप 2-3 मैच के अंदर भी दोगे तो आपका धीरे धीरे काउंट होता रहेगा ये। अगर आपको ये नहीं करना तो उसका सेकेंड ऑप्शन दे रखा है डोल 7500 डैमेज इन अरीना। तो गाइस आपको 7500 का डैमेज अरीना में देना है, तो वो ये भी ऐसा ही, अगर आप अलग अलग बार में दोगे तब भी हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपने कोई एक मैच TDM खेला उसमें अगर आपका 500 का डैमेज हुआ है सॉरी 5000 का डैमेज हुआ है, बचा 2500, तो 2500 अगर आप नेक्स्ट मैच में खेलोगे तो वो आपका काउंट हो जाएगा अगर आप उसमें दोगे तो। ठीक है, तो आप देख लेना आपको जो भी 3600 का डैमेज क्लासिक मैच में देना है या फिर अरीना में 7500 का डैमेज देना है। और फिर उसके नीचे अपन आते हैं डुअल 1500 डैमेज इन सिंगल मैच अरीना। तो गाइस आपको 1500 का डैमेज सिंगल मैच के अंदर देना है अरीना के अंदर, तो ये एक ही मैच के अंदर आपको 1500 का डैमेज देना है, तो इसके लिए आपको लगभग 12 से 13 किल करने पड़ेंगे तब जाके आपका ये काउंट होगा। तो देख लेना गाइस आपको जो भी गन बेस्ट लगती है आपको
वो गन लेके आप बंदे मारना और अपने 1500 का डैमेज देके मिशन को फटाफट से कर देना। और फिर उसके नीचे अपन आते हैं लास्ट अपना मिशन है कैरी टीममेट ए एंड व्हीकल फॉर टोटल 10,000 मीटर क्लासिक मोड। तो गाइस आपको 10,000 मीटर अपने टीममेट के साथ ड्राइव करना है, या गाड़ी चला लो या उसके साथ बैठ जाओ वो चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये मिशन ईजिली हो जाएगा, जैसे 10,000 मीटर गाड़ी चलेगी वैसे आपका सिंपली हो जाएगा। अभी देखिए गाइस मेरा विक 2 खुला नहीं है क्योंकि मेरे पास ईजी मिशन लाइसेंस नहीं था। तो चलिए गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस अभी दिवाली का टाइम था इसलिए वीडियो डाल नहीं पाया, और वीडियो का टॉपिक थोड़ा समझ में नहीं आता तो इसलिए डाल नहीं रहा था। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और गाइस आपको कुछ भी सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो।